वल्लभ नगर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अपने पूरे यौवन पर पहुंच गया है। सभी प्रत्याशी एक एक वोटर को रिझाने में लगे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए यह प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। आम चुनाव में यह सीट कांग्रेस के गजेंद्र सिंह ने जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर को 3719 वोटों से हराकर जीती थी। गजेंद्र सिंह के निधन के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रीति कंवर सक्तावत को प्रत्याशी बनाया है। उनके सहित सीट से मैदान में 9 प्रत्याशी हैं। भाजपा ने यहां से आम चुनाव में प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी का टिकट काटकर हिम्मत सिंह झाला पर दाव खेला है। उदयलाल डांगी ने गत चुनाव में 46,667 वोट लिए थे और इस बार भी टिकट मिलने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्हें एक ही खतरा था कि भिंडर की पत्नी को भाजपा अपना प्रत्याशी न बना ले। इस संदर्भ में भिंडर और भाजपा नेताओं की बात भी हो रही थी, परंतु भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। झाला क्षेत्र में भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को एकजुट किया, परंतु उदयलाल डांगी को हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा का प्रत्याशी बनने से नहीं रोक पाए। उधर बीटीपी ने भी इस मैदान में ताल ठोकते हुए सुख संपत मीणा को अपना प्रत्याशी बना दिया है। चुनाव की घोषणा से पूर्व सभी मान रहे थे कि इस क्षेत्र में घमासान होगा, परंतु ऐसी खिचड़ी बनने की किसी को उम्मीद नहीं थी। गैर कांग्रेसी वोट 4 जगह बंट रहे हैं। जनता सेना के भिंडर भाजपा से विधायक रह चुके हैं और जनता सेना बनाने के बाद भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक वो ले गई। दूसरी ओर रालोपा से चुनाव लड़ रहे उदयलाल डांगी भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं और भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। भाजपा के हिम्मत सिंह झाला भी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक उनके पास भी है। तो वहीं बीटीपी के सुख संपत मीणा भी गैर कांग्रेसी वोटों में सेंध लगा रहे हैं। आदिवासी इलाकों में वह अपनी कितनी पकड़ बनाएंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव में गैर कांग्रेसी वोटों के बिखराव ने चुनाव की रंगत बदल दी है तथा इन सभी प्रत्याशियों के संघर्ष में बने रहने से कांग्रेस की प्रीति कंवर को पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है।